घने कोहरे के कारण आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा हो गया है, जहां खड़े ट्रक से बस टकरा गई, जिसके बाद पलट गई और इसमें 40 लोग लगभग सवार थे। आपको बता दें कि अब उत्तर प्रदेश में समय भीषण सर्दी के साथ साथ घना कोहरा देखने मिल रहा है। कोहरे के कारण हर रोज सड़क हादसे हो रहे हैं, जिनमें बड़ी संख्या में लोग जान गंवा रहे हैं। अब बीती रात आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर बड़ा सड़क हादसा हुआ है। यहां एक डबल डेकर बस खड़े ट्रक से टकरा गई और खाई में पलट गई। इस बस में सवार 10 लोग घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि दल्ले से सावरिया लेकर बस लखनऊ की ओर जा रही थी। बस में करीब 40 लोग सवार थे और बताया जा रहा है कि कोहरे के चलते बस हादसे का शिकार हुई। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। सूचना मिलने पर तत्काल पुलिस पहुंच गई, बचाव कार्य शुरू किया, घायल लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस ने बताया है कि आगरा के थाना डौकी क्षेत्र में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के माइलस्टोन 14 पर खड़े ट्रक से दिल्ली से लखनऊ की ओर जा रही डबल डेकर बस टकरा गई और एक्सप्रेसवे से नीचे खाई में पलट गई। इस दौरान बस में बैठी लोग जो थे चीख पुकार उसमें काफी मच गई। घायलों को अस्पताल भेज दिया गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है।